ये करीब आधी कटोरी गरम पानी लिया है मैंने, थोड़ा सा गुनगुना पानी है। आप इसकी जगह चाहे तो छाछ भी ले सकते हैं। इसमें हम लोग एक कटोरी बूंदी डालेंगे। गुनगुने पानी में बूंदी डालने से ये थोड़ी जल्दी गल जाती है, मतलब फूल जाती है, जो हमें बूंदी को पहले फुलाना है। डायरेक्ट दही में डालेंगे तो दही में फूलने में उसको टाइम लगता है, क्योंकि हम ये रायता झटपट बना रहे हैं, इसलिए हमने हल्के गुनगुने पानी में इसको रख दिया है। करीब 2 से करीब 5 मिनट में फूल जाएगी। ये देखिए, 2 मिनट के अंदर ही हमारी बूंदी बिल्कुल फूल गई है। इसमें एक कटोरी भर के दही डाल रहे हैं। ये 2 कटोरी दही, नमक, काला नमक, रेड मिर्ची, ग्रीन चिली एंड बहुत सारा हरा धनिया। इसको मिक्स कर देते हैं। अब जाएगा इसमें जीरा पाउडर। जीरे को रोस्ट कर लिया है और उसके बाद उसको पीस लिया है। बस आपका बूंदी का रायता तैयार है।